असलकम कैसे हैं आप सब हेलो गायज़ ये देखिए ये मेरी ममा मेरे लिए प्राइज़ बना रही हैं अभी अब मेरे साथ बैठी थी और कह रही थी कि मम्मा मैं भी आपके साथ वॉइस ओवर करूँगी और रोहान भी कह रहा था ममा मैं भी कुछ बोलूँगा आप क्या बोलोगे रोहान बताओ स्कूल में आज आपका दिन कैसा गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा <laughs> बच्चों की भी खुशी होती है कि मम्मा हम भी बोलेंगे ये यह यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्टीम पीस और फ्राइज और रायता बना लिया था तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगा डेली भी एक चीज़ नहीं खाई जाती मतलब एक चीज़ से मुराद ये है कि खाना डेली जो रोटी सालन एक टिपिकल वो नहीं बड़ों से भी नहीं खाया जाता टू तो बी वेरी ऑनेस्ट <laughs> तो फिर बच्चे तो फिर बच्चे हैं और उसके बाद हम आ गए थे दोपहर के बाद का टाइम है ये हम बाहर निकले हुए थे और मेरे मियाँ का काम था हाशमी गार्डन उनके दोस्त रहते हैं तो उनके पास जरा पाँच मिनट का उनका थोड़ा सा काम था तो हमने कहा चले हम भी साथ चलते हैं आगे हमने भी मैंने और भी जगह जाना था तो मैंने कहा आप भी अपना काम कर लीजिएगा तो ये यहाँ हम जा रहे थे हाशमी गार्डन तो मैंने कहा पहले उनका काम हो जाएगा उसके बाद हम भी बाहर निकले हुए थे और मतलब घर क्योंकि आज सेलॉन ऑफ किया हुआ था मैंने कोई क्लाइंट नहीं था तो फिर वर्कर्स को भी मैंने ऑफ़ दे दिया था तो मैंने कहा जो भी बाहर के कुछ जो भी मतलब डेली रूटीन के थोड़ा सा जो भी काम इकट्ठा हुआ होता है बाहर का वो मैंने कहा चले हम कर लेते हैं अपना तो बस हम उस सिलसिले में थोड़ा सा बाहर निकले हुए थे अफ्तार में अभी टाइम था अच्छा खासा और अभी मैंने वैसे खाना भी नहीं बनाया था मतलब कि पीस जो बनाए थे वो बस बच्चों के लिए मैंने बनाए थे और ये था कि हम अभी दोपहर में जो शाम का जो खाना बना था अफ्तार के बाद का जो खाना होता है ना वो नहीं बनाता अभी तक और ये यहाँ पे हम आ गए थे मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह लगती है सुकून खामोशी तो फिर उन्होंने कहा चलो तुम भी साथ चलो पहले मैं अपना काम कर लूँगा फिर तुम अपना भी काम कर लेना मैं मुझे बस क्या मेरा काम था मुझे जाना था मेकअप सिटी और वहाँ से मुझे कुछ अपना लेना था सामान तो बस फिर वो मैंने जल्दी जल्दी सामान लिया क्योंकि फिर ये था कि अफ्तार का टाइम भी करीब हो गया था थोड़ा सा हमें टाइम लग गया था और इस वजह से फिर उसके बाद ये यहाँ पर नीचे गए हुए थे शॉप पे अभी बिया के लिए जूस लेने और लेज़ लेने क्योंकि फिर बच्चे जहाँ पे फिर शॉप्स देख लें तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है मेरे साथ बैठे हैं दोनों और ऐसे रिएक्ट करें कि जैसे बड़े मासूम बच्चे हैं और उसके बाद ये यहाँ पे आए हुए थे बाहर माल्टन बी तो मुझे यहाँ पे हाजी है जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा मुझे यहाँ इनकी कचोरी पसंद है कीमे वाली इनकी कचोरी थी कीमे की क्वालिटी तो फ़ाइन खैर नहीं होती लेकिन यह है कि मैं वैसे कचोरी हमेशा घर बनाती हूँ लेकिन अभी दिल हुआ था कि चलो बाहर आए हुए तो गर्म गर्म फ्राई हो रही थी मैंने कहा चलो ले लेते हैं तो ये यह यहाँ पर पकौड़े लेकर आए हुए थे और कचोरी लेकर आए हुए थे बच्चों को मैंने तोड़ के दिए बच्चों में रूहान नहीं खाता इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अभी या फिर भी खा लेती है उसके बाद हम घर आ गए थे और ये मैं निकाल के अभी रख रही थी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इतने क्रिस्प इनका बहुत अच्छा क्रिस्प होता है पकौड़े बच्चों ने अपने खा लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे थे उन्होंने कहा मेरे लिए ना रखना मैं नहीं खाऊँगा और मुझे कोई ऐसे पसंद नहीं है पकौड़े समोसे इस तरह की कोई भी चीज़ तो बस फिर ये मैं निकाल के रख रही थी और अवतार में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वैसे तो ये है कि ये थोड़ा सा आजकल डाइट पे हैं और तो मुझे कहते हैं कि जाम श्री मेरे ना बनाया करो तो फिर ये अपने लिए लीची बॉटल ले थे अच्छा ये यहाँ मैं ऊपर आई हुई थी सैलॉन मैंने जैसे कि आपको बताया ऑफ किया हुआ था तो मैं एक दफ़ा लॉक चेक करने आई हुई थी और ये मैं बाहर निकली तो उनकी आवाज़ें आ रही थी ये देखें बच्चे खेल रहे हैं बाहर निकले हुए थे बच्चे और फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली इतने क्यूट मुझे लगते हैं छोटे छोटे से और मेरा दिल चाह रहा था कि इनमें से एक को मैं उठा के नीचे ले जाऊँ <laughs> फिर मैंने कहा नहीं माँ जाहिर है वो परेशान होगी अच्छा ऐसा था कि ये माँ बिल्कुल आराम से इधर उधर चली जाती थी उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ये बार बार ऊपर आ रहे हैं जाहिर है मैं भी जा रही थी बच्चे भी देखने हम आते दे थे उसको बिल्कुल भी नहीं थी टेंशन खैर अब फिर मैं नीचे आ गई थी यहाँ पर उसके रोजे में भी थोड़ा सा टाइम रहता था तो मैंने कहा मेरा वैसे रोज़ा नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं सालन बनाना शुरू कर देती हूँ यहाँ मैं बना रही थी माश की दाल बहुत बहुत अरसा हो गया था दाल बनाए हुए तो मैंने कहा चलें माश की दाल बना लेती हूँ जल्दी भी बन जाएगी और यह है कि फिर उसके पराठे भी अच्छे बन जाते हैं अगर इस तरह खाने का दिल नहीं भी चाहता तो चलो पराठे खा लेंगे और ये यहाँ पे मैं दाल थोड़ी सी बॉईल करी थी मैंने कहा चलें ये ज़रा जल्दी फिर बन जाएगी चेक करी थी यहाँ पे लेकिन अभी थोड़ी सी कसर थी बस जल्दी जल्दी हम मैं खाना बनाऊँगी खाना तो वैसे अफ्तार के बाद रेडी हुआ था क्योंकि यह है कि हम वहाँ से भी थोड़ा सा लेट आए थे और फिर आके थोड़ी सी देर में बैठ गई और बस इसी तरह से क्योंकि अफ्तार के फ़ौर उस टाइम तो मेरे ख्याल से खाना बिल्कुल भी नहीं कोई भी नहीं खाता होगा कुछ लोगों अपनी की अपनी रूटीन है वो ईशा की नमाज के बाद खाते हैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन नौ बजे तक खाना खाते हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं मसाला रेडी करी थी और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ अच्छी बन गई थी दाल अच्छा टेस्ट था मुझे शुरू से किसी भी किस्म की दालें पसंद नहीं थी शुरू से लेकिन ये है कि अब खा लेती हूँ कुछ ना कुछ दाल खा लेती हूँ लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मेरी बहुत फेवरेट है और ये वाली दाल मुझे पसंद है या ये नहीं है बस एवरी जे जाएग बन जाएगी तो खा लूँगी लेकिन कभी बहुत ज़्यादा कोई शौक से नहीं बनाती लेकिन फिर ये होता है ना डेली मेन्यू सोचना एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि क्या बनाएँ आज क्या बनेगा तो बस इस तरह से ये यह यहाँ पे दाल बस अब रेडी होने ही वाली थी और उसके बाद आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ आगे की क्या रूटीन थी अच्छा ये यह यहाँ पे ये यह था कि हरी मिर्ची मैं हमेशा जिस कोई भी सालन बनाती हूँ ना हमेशा मैं एंड में ऐड करती हूँ उससे ये होता और फिर फ़ौरन चूल्हा बंद कर देती हूँ उससे ये होता है कि बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती है कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग जल्दी ऐड करते देते हैं फिर ये होता है कि जब आप खाना खाने लगते हो ना तो वो बहुत ही बिल्कुल सॉफ्ट सी मरी मुरझाई हुई हुई होती है खैर सबका अपना टेस्ट है जैसे जिसको भी पसंद आए इस तरह से फिर मैंने कहा चलो फ्रूट चाट भी बना लूँ फ्रूट्स सब पड़े हुए थे फ्रूट्स पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं घर में इतनी तफीक तो नहीं होती ये क्रीम बिल्कुल एंड हुई हुई थी और बस फिर मैंने कहा चलो बना लूँ सब चीज़ें वो फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे तो फिर ये फ्रूट चाट बना ली वो खा ली रोज़ा खुल चुका था और अब ये रात का टाइम था और अभी अभिया यहाँ पर बैठ के अभिया ने ख़ुद यहाँ पर कैंडल ऑन की हुई थी और इसका शौक उसे शौक़ हुआ था कि कैंडल ऑन करके तो फिर मैं अपना बैग प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट डे के लिए स्कूल के लिए और ये यहाँ पे कैंडल्स कुछ जला जला के ख़त्म कर दी थी ये मैं पूछ रही थी ये कहाँ गई और ये यहाँ पे अपना बैग सेट कर रही थी अपने मार्कर्स वगैरह हर चीज़ बुक्स कॉपीज़ अरेंज करके रख रही थी और ये यहाँ पे इसको कुछ शीट्स मिली हुई थी तो इनके ऊपर इसने कुछ वर्क करना था कुछ इसकी एक्टिविटीज़ थी वो वो इसने अभी करनी थी वो रहता था इसका काम अब इतना सारा बच्चों को काम मिलता है ना आप यकीन करें अब वो मेरे साथ बैठ के खुश हो रही है और कह रही है ये आप मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं हमें इतना काम मिलता है लेकिन ये वाकई बात सही है बच्चों को काम ज़्यादा मिलता है कि वो ट्यूशन के टाइम में भी ख़त्म नहीं होता और घर आके भी बच्चे लगे हुए हैं और ये इसने अपने लिए ख़ुद बनाया हुआ था कि मम्मा मैं इसमें मार्कर्स रखूँगी अपने मार्कर्स का पैक इसने फेंक दिया ख़ुद ही और उसके बाद ये इसने बनाया हुआ था कि ये मैं इसमें डाल के रखूँगी मेरी एक्टिविटीज़ आप चेक करें तो मैं कहती हाँ वेरी गुड मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियों को शौक़ होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ का तो ये मुझे इसमें अरेंज करके दिखा रही थी <laughs> कि ये इस तरह से रखते होते हैं मम्मा इसमें मैंने कहा चलो ठीक है बाज़ अब होता है कि बच्चों को देख के ना हमें अपना स्कूल का टाइम भी याद आ जाता है कि हम हमारी कैसी लाइफ होती थी कैसी रूटीन होती थी और ये अब आपको दिखा रही है कि ये इसका न्यू बैग आया बैग्स की मैं आपको क्या बताऊँ जब न्यून की क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली थी हमने इतने बैग्स ढूँढे जहाँ पर भी मिलते थे या बहुत बड़े बैग्स थे या बिल्कुल छोटे थे या क्वालिटी अच्छी नहीं थी ओ माई गॉड ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि बैग्स भी कहाँ से लें अच्छे वाले भी हों जो कि जल्दी टूटें भी ना क्योंकि बुक्स कॉपीज इतनी सारी होती हैं तो बस ये आज की मेरी रूटीन थी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इन नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी दुआओं में याद रखिएगा अपना डेरों ख्याल रखें इन मुलाकात होगी तब तक के लिए हाफिज़